हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट कनेक्शन बाय प्रियंका। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे घर का होम टूर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और ये एक गवर्नमेंट क्वार्टर है तो उसको मैंने काफ़ी मेहनत किया है कलरफुल सा बनाने के लिए, और साथ साथ वो डिसेंट भी लगना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम अपना होम टूर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए, तो ये है एक एंट्रेंस हमारे घर का। तो एंट्री होते ही ये लिविंग एरिया है और ये एक ग्राउंड फ्लोर है। और हमारे घर के दो एंट्रेंस है, तो एक ये वाला है और जो दूसरे वाला है वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ से हमने एंटर किया था और इस वॉल के ऊपर ये कुछ दो पेंटिंग मैंने लगा रखी हैं। ये सब पेंटिंग मैंने ही की हुई है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने लिविंग एरिया को सेट किया हुआ है। तो अब मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा देती हूँ ओवरऑल लुक कैसा है लिविंग एरिया का। तो यहाँ पे रखा है एक बुद्धा का स्टैचू और उसके पास में रखा हुआ है ये ऑयल डिफ्यूज़र। तो इसकी जो खुशबू है पूरे घर में हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके घर में से अच्छी सी खुशबू आती है। और ये साइड में रखा हुआ है 3 सीटर सोफा। इसके जस्ट सामने एक वुडन ट्रंक है जिसको मैंने पेंट किया हुआ है। तो ये मैंने पहले पेंट किया था और बाद में मैंने ये कारपेट अमेजोन से ऑर्डर किया था। बिल्कुल इसके जो कलर हैं वो सेम हैं और जो कारपेट है ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो ये सिंगल सीटर है इसके ऊपर मैंने इस तरह से कुशंस रखे हुए हैं, ये मैंने कश्मीर से लिए हुए हैं। और इसके ऊपर पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो पूरा रेड पार्ट है और जो एलिफेंट वाला पार्ट है पूरा का पूरा। तो मुझे इस तरह के जो आर्ट वर्क होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक प्रिंट है एक्चुअल में। तो जब मैंने जो है पेंटिंग करना स्टार्ट नहीं किया था तब मैंने इसको लिया था। तो इस एरिया के जस्ट सामने आपको एक डाइनिंग एरिया दिखेगा और वहाँ पे मैंने वुडन पैनल्स लगाए हुए हैं। ऊपर में एक वॉच है, वो भी बहुत प्यारा है, दूर से नहीं दिख रहा है बट बहुत ही सुंदर सा वो वॉच है। और यहाँ पे मैंने हैंग किया हुआ है एक लैम्प और नीचे में ये लगाया हुआ है, ये अगेन एक कश्मीरी आर्ट वर्क है जो चिनार का लीफ इस पर बना हुआ है। पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है और ये एक फैब्रिक के ऊपर होता है, उसको फ्रेम किया हुआ है। तो यहीं से हमारा दूसरा एंट्रेंस है। तो यहाँ पे मैंने गार्डन चेयर रखा है और एक पेंटिंग को हैंग किया है। और इसी जगह पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्रिसमस डेकोर किया था। फिर इस साइड में एक ये मिरर है जिसको मैंने यहाँ पे रखा है
और छोटी छोटी सी कुछ चीजें रखी हैं। और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ड्रीम कैचर। तो ये जो आपको एक साइड में भी आपको डोर दिख रहा होगा, यही है हमारा दूसरा एंट्रेंस। तो बाहर पूरा गार्डन एरिया है, अभी जो है वो पूरा ड्राई हो चुका है बिकॉज़ यहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो ये था हमारा दूसरा एंट्रेंस। तो यहाँ से हम आके इधर की तरफ लिविंग एरिया में जा सकते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया और इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। ऊपर मैंने हैंगिंग लैंप लगाया हुआ है, नीचे एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। तो ये जो आपको चेयर्स दिख रही हैं, इसमें पहले मैंने सीट्स लगाया है, उसके ऊपर से इसको कवर किया हुआ है, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल सा था। और मैं होम टूर करूं और अपनी फेवरेट पेंटिंग ना दिखाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये है मेरा फेवरेट पेंटिंग। इसके साइड में यहाँ पे लगा रखा है एक मैगजीन पेपर से बनाया हुआ लीफ। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे घर में बहुत सारी DIYs आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से इस रूम का लुक कुछ इस तरह से दिखता है और वो है हमारा बार एरिया और जो सामने है जो मैंने अभी आपको दिखाया लिविंग एरिया। तो चलिए अब मैं बार को आपको अच्छे से पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैंग किए हुए हैं ग्लासेस को, नीचे जो है वो स्टोरेज एरिया है और एक पेंटिंग मैंने रखा है। और इसके पीछे में जो आपको ये स्टोन वाला दिख रहा है, ये एक वॉलपेपर है जो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। जस्ट इसके साइड में आपको दिखेगा हमारा किचन। ये है हमारा किचन। तो अभी आपको काउंटर पे काफ़ी ब्राइट एरिया दिख रहा होगा, तो वहाँ पे मैंने एक LED स्ट्रिप जो है वो पेस्ट किया हुआ है। और नीचे में एक ये रनर रखा हुआ है, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सा है, मेरा मन नहीं करता इसको नीचे रखने का, तो मैं नेक्स्ट पोस्टिंग में देखती हूँ इसको कहीं पे अगर मैं लगा पाती हूँ। तो इसके बाद मैंने काउंटर पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं। तो ये जो सामने वाली दीवार है, यहाँ पे कुछ DIYs हैं जो मैंने किचन से रिलेटेड बनाया था, तो उनको मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और ये कुछ कप्स वगैरह यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे भी मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ यही चीज़ें मैंने काउंटर्स पे रखी हुई हैं, चाय कॉफ़ी और ऑयल जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। और कोने में कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये था हमारा किचन। तो इसके जो साइड में है, इधर सिंक वाला एरिया है, वो अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ। फिर हम इधर की साइड चलते हैं गैलरी में। तो पहला हमारा रूम आता है, इस रूम का वीडियो मैं पूरा डाल चुकी हूँ, तो आप वहीं से देख लीजिएगा, अभी मैं ये नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादा। तो इस रूम के सामने जो है वो किचन का दूसरा डोर है। तो यहाँ से हमारा किचन कुछ इस तरह से दिखता है। फिर है ये गैलरी और यहाँ पे एक पेंटिंग फिर से मैंने हैंग किया हुआ है
यहाँ पे अभी लाइट का इश्यू है, लाइट नहीं है तो ये ज़्यादा नहीं दिख रही है। इसके बाद ये है हमारा स्टोर रूम। और ये जो सामने है दो रूम, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, पहले हम राइट वाले में चलते हैं। तो ये हमारा रूम जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब इस रूम में हर एक चीज़ है। ये ऑफिस है, ये बेडरूम है, ये स्टडी रूम है, ये जिम एरिया है और यहीं पे योगा होता है, मतलब मैक्सिमम मेरा टाइम इसी रूम में जाता है। तो बेड के ऊपर मैंने डाला हुआ है एक राजस्थानी बेड कवर और सामने है ड्रेसिंग एरिया, वहाँ पे मेकअप से ज़्यादा क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है। तो यहीं पे बैठ के मैं अपनी वीडियोस जो है वो एडिट करती हूँ। और ये है हमारा ऑयल रेडिएटर हीटर जो कि बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इतनी ठंड में भी हमें पता नहीं चला इतनी ठंड है यहाँ पे। और यहाँ पे डंबल्स एंड योगा मैट रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं टीवी और बेड का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं अब दूसरे रूम की तरफ, जहाँ पे मैंने क्रिएट किया था एक लो सीटिंग अरेंजमेंट। इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, बट फिर भी मैं इसका एक लुक आपको दे देती हूँ फिर से। तो इस दीवार पे ये हैंग किए हुए हैं मैंने कुछ डेकोपाज की हुई प्लेट्स। तो जितनी भी DIYs हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइस, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिएगा। तो मैंने पूरा जो है जितना मैं मैक्सिमम समझा सकती हूँ वैसे करके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो जैसे ही हम इस रूम से बाहर जाते हैं ये वाला एरिया है और यहाँ पे हैंग किया हुआ है मैंने ये लैंप और एक वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो ये जो साइड में है यहाँ पे हम कीज़ वगैरह और मास्क वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है यही एरिया है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, यहीं पे मैं अपना जो ट्राइपॉड है उसको रखती हूँ और यहीं से वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।